हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज़ निशा पाहुजा एंड आप थंबनेल में देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं इन 2022 टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो आज मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस की वीडियो लेके आई हूँ बेसिकली ये स्ट्रैटी होगी जिस स्ट्रैटजी को फॉलो करते हुए मैंने टू में सारे एग्जाम्स क्लियर किए मेरा कोई भी एग्ज़ाम जनरल अवेयरनेस के कट ऑफ की वजह से नहीं रुका सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्ट्रैटजी ऑफ़ माइंड जो सारे के सारे बैंक एग्जाम्स टू में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आर बी एस स्टेंट ई सी जी सी पी ओ एस बी आई पी ओ आई बी पी एस पी ओ एवरी एवरी मीनस में आपके लिए काम आएगी सो डू चेक इट आउट तो अगर मैं अपनी जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटी की बात करूं तो मेरी स्ट्रैटी में दो सोर्सेज हमेशा अवेलेबल होते थे मिनिमम दो सोर्सेज अवेलेबल आपको रखने ही पड़ेंगे अगर आप सोच रहे हो कि आप एक सोर्स से पढ़ोगे सिर्फ और कट ऑफ क्लियर कर लोगे ऐसा आसान नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक सोर्स पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कवर नहीं करता है तो आपको इसलिए मिनिमम दो सोर्स रखना इम्पॉर्टेंट है अब आपकी मर्जी आप दोनों वीडियो सोर्स रख सकते हो दोनों पी सोर्स रख सकते हो मैंने जो रखा था एक वीडियो सोर्स रखा था और एक पीडीएफ सोर्स रखा था ये मेरा था अब मेरा शेड्यूल क्या होता था मैं सुबह उठती थी सबसे पहले मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो चलता था आई नो कुछ लोगों को लगेगा कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना बट इससे क्या होता था ना कि मेरा पूरा का पूरा जो दिन का स्कड्यूल है ना वो उसी वे में चलता था जिस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था लास्ट नाइट को कि मैं आज सुबह उठ के ये ये करूंगी और वो सारा का सारा अच्छे वे में चलता था और देखो अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना तो एट द एंड जब आप मंथली या वीकली करोगे ना उसको रिवाइज़ तो वो आपको काफ़ी आसान पड़ने वाला है एज़ कम्पेयर टू तब अगर आपने डेली नहीं देखा है सबको पता है एट द एंड रट्टा ही मारना है आपको तो रट्टा मारना और आसान हो जाएगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखोगे मैं किसको फॉलो करती थी मैंने जनरली तीन टीचर्स को फॉलो किया है आप तीनों में से जो भी अच्छे लगे आप उनको फॉलो कर सकते हो पहले आशीष गौतम सर को मैं रिकमेंड करना चाहूँगी जो कि आइडा टू फोर सेवन के हैं उनका क्या रहता है ना कि वो इतना ज़्यादा बार आपको रिवीजन करवा देंगे ना कि आपको अपॉइंटमेंट सॉरी छोटी मोटी चीज़ें जो वन लाइनर्स हैं वो आपको तभी के तभी याद हो जाएंगी कौन सी स्टेट ने क्या किया ये सब कुछ मल्टीपल टाइम्स रिविज़न हो जाएगा उनकी क्लास में ही एक घंटे में ही तो आप इंटो टू की स्पीड पर चला के देखिए क्योंकि मैं भी वही करती थी सेकेंड जो सोर्स है वो टी एन ए है ओलिव वुड का ओलि वुड पर एक सर हैं टी एन ए पढ़ाते हैं वो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उनकी कंपाइलेशन जो होती है न्यूज़ की वो बहुत अच्छी होती है एंड जो थर्ड टीचर हैं जिनको मैं बोलूँगी अच्छा पढ़ाते हैं अभिजीत सर हैं अनकेडमी के वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट इन दैट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो तो आप इन तीनों टीचर्स में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो इनफैक्ट अगर आप और किसी को भी फॉलो कर रहे हो तो आप प्लीज उनको करते रहिए क्योंकि आपको सिर्फ एक 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 चीज पे स्टक रहना है एक सोर्स पे डू दैट सेकेंड चीज अगर आप पी की बात करो जो मैंने रिलाई करा था मैंने अफेयर्स क्लाउड की पी को फॉलो किया था अब आप देखो डेली पी आपका करने का कोई फायदा नहीं होता है तो आप प्लीज वीकली करिए या मंथली करिए अब डिपेंड करता है कि किसी किसी को वीकली सही लगती है किसी को मंथली मैं बताऊंगी मैंने क्या किया था बट एंड सेकेंड सोर्स आप स्टडी आई भी फॉलो कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा सोर्स है बहुत रिव्यूज़ उसके अच्छे हैं तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं मैंने अफेयर्स क्लाउड किया था क्योंकि एक्चुअली अफेयर्स क्लाउड की पी डी एफ्स ना इजीली अवेलेबल हो जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो एक ये रीज़न भी था एंड देखो मेजर चीज़ क्या है ना कि आप जितना मर्जी पढ़ लो जितने सोर्सेस से पढ़ लो अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो कुछ नहीं होने वाला है आपको रिवाइज करना ही पड़ेगी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स तीन बार चार बार करना पड़ेगा मैंने खुद ने तीन से चार बार हर एक मंथ को रिवाइज किया था तब जाके मेरा कट ऑफ निकला है हर एक मीन्स का चौथी चीज की बात करूँ तो ओबिचरीज और डेज में बताना चाहूँगी कि देखो आ गए तो आपको एक नंबर दे के जाएंगे नहीं आए तो आपका समय बर्बाद करेंगे अगर आपने पहले अच्छे से इस पर टाइम बिताया तो मेरी एक स्ट्रैटी रहती थी कि जो ऑबिचुरीजा डेज है, है ना एक परचम क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है उस पर एक मैम है वो ना निमोनिक से याद करवाती हैं डेज़ को बहुत ईजीली हो जाता है आप एग्ज़ाम से जो भी आपका मेंस का एग्जाम है आप उससे जस्ट दो या तीन दिन पहले आप देखिए उस वीडियो को मैंने बी ए किया था पी ओ मेन्स में भी एस बी आई एंड आई बी पी एस दोनों आर आर बी में भी कि जस्ट एक या दो दिन पहले आप देखो उसको वीडियो को तीन से चार मंथ्स का आपको बैठ जाएगा दिमाग में इजिली और अगर पेपर में आ गया आप कर लोगे इजिली और आपका टाइम भी बर्बाद नहीं जाएगा क्योंकि आप एक से दो दिन पहले ही आप देख रहे हो तो मेरा पर्सनली ऐसा रहता था कि मैं डेज ऑफ एचूरीज को मैं छोड़ के मैं ऐसे फॉलो मैं ऐसे इनको करती थी एंड में एकदम पी ओ मस के एग्जाम के एंड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना जो कि स्पोर्ट्स बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़ अपॉइंटमेंट्स नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ ये सारी ना इम्पोर्टेंट है इनको आपको करना पड़ेगा अच्छे से इन पर बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं इन्फ्लुएंस हो सकते कि नहीं करूँगी तो छोड़ दूँगी नहीं इनको तो किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही पड़ेगा हर एक मंथ का और बैंक एग्जाम में क्या होता है कि आपको मिनिमम मतलब मिनिमम चार मंथ्स का आपको करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम छः मंथ्स का तो फोर टू सिक्स मंथ्स के जनरली करंट अफेयर्स आते हैं अगर मैं अपनी बात करूँ मैंने आर आर बी के लिए मैंने छः मंथ्स का करंट अफेयर्स किया था आई बी पी एस पी ओ एंड एस बी आई पी ओ के लिए मैंने तीन से चार मंथ्स का ही किया था क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली मैं आई डी बी आई में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए कोर्स कर रही थी उनका पी जी डी बी एफ तो मैं वहाँ पे बिजी थी मैं नहीं कर पाई थी इतना इसलिए तीन से चार मंथ्स का ही किया था मैंने आई बी पी एस पी ओ में भी एंड एस बी आई पी ओ में भी एंड दैट वॉज इनफ टू क्लियर द कट ऑफ पर हाँ अगेन टॉकिंग मल्टीपल टाइम्स रिविजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैंने फेस क्लाउड का मंथली फॉलो किया था या वीकली फॉलो किया था वो पर्सनल प्रेफरेंस है आपकी देखो मैंने वीकली भी फॉलो किया है मैंने मंथली भी किया है मैंने दोनों किए हैं तो मैं बता सकती हूँ कौन सा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग प्लीज आप इसको जज मत करिएगा वेरी कर सकता है बाकी लोगों का ओपिनियन ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगा अफेयर्स क्लाउड की वीकली पी में कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ न्यूज़ मिसिंग होती है एज कम्पेयर टू मंथली अगर आप मंथली मैंने सेम मंथ का मैंने मंथली भी किया है वीकली भी किया है तभी मैं बता रही हूँ कि मंथ हाँ बेशक वीकली में जो न्यूज मिसिंग है वो शायद इम्पॉर्टेंट ना हो बट स्टिल आई डोंट वॉन्ट टू लूज एनी न्यूज़ कि एक मार्क मेरा किसी भी चीज़ की वजह से छूटे तो इसलिए मैंने आर आरबी पी ओ के टाइम पर मैंने वीकली किया था बट देन आई गॉट टू नो कि कुछ कुछ न्यूज़ मिसिंग है तो आई बी पी एस पी ओ एंड एस बी आई पी ओ के टाइम पर मैंने मंथली फॉलो किया आप बताइएगा कॉमेंट्स में आपको लग रहा होगा कि मंथली जो है ना वो दो सौ सवा दो सौ पेजेस का होता है आप कैसे करोगे मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आ कि आपको पढ़ना कैसे होता है क्योंकि दो सौ सवा दो सौ पेजों में ना फिल्टर आउट करना होता है आपको चीज़ों को मुश्किल से सौ डेढ़ सौ सवा सौ पेज ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं तो आप कॉमेंट करिएगा अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए होगा कि अफेयर्स क्लाउड की मंथली पी डी एफ पढ़नी कैसे है मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगी एंड अगर आपको और किसी स्ट्रैटेजी की वीडियो और किसी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी की वीडियो भी चाहिए हो तो प्लीज़ आप कॉमेंट करिएगा आई एम ऑलवेज हेयर आपको कोई भी क्वेरी हो डू कॉमेंट डाउन बिलो आई विल रिप्लाई टू ऑल द कॉमेंट्स मैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वो फर्स्ट पार्ट है मैं सेकेंड पार्ट जल्दी ही लाने का सोच रही हूँ एंड इफ यू लाइक द स्ट्रैटेजी एंड माई वीडियोज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच